प्ले कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। स्टोरी लाइन इसका जो हम जॉनर बोल सकते हैं वो क्राइम ड्रामा सस्पेंस है, और मेरे कैरेक्टर का नाम प्रदीप बजाज है। ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि स्टोरी बंधी हुई है, अगर मैंने ज़्यादा बता दिया तो आप सभी के दिमाग में आ जाएगा कि क्या कहानी है। तो फिल्म आ रही है 14 फरवरी को, वो देखिए। मैं एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि सिर्फ अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पायर करता है लोगों को, बहुत अच्छा बिजनेस चला है, यंग एज में बिजनेसमैन बन गया है। तो मेरा कैरेक्टर प्रदीप बजाज वही है। बाकी आप लोग जब फिल्म देखेंगे आप लोगों को अच्छे से पता लगे और अच्छा लगे। तो इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के मैसेज के बारे में, और जो प्रोड्यूसर हैं निहल जी, उनके बारे में कहना। सबसे पहले डायरेक्टर जी को लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मैंने उन्हीं के साथ बिताया सेट पे, बाद में पोस्ट में सब कुछ। तो ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। उनका एक विजन था जो स्टार्टिंग से ही था, तो जो उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। सेट पे भी कुछ भी ऊपर चीज़ें नीचे होती थी, टेक हमें चाहे 3 ज़्यादा लेने होते थे, बट उनको जो चाहिए वही चाहिए था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। उन्होंने कभी भी सीन्स को लेके हमें बांध के नहीं रखा। उन्होंने हमेशा बोला है कि जो आपको लग रहा है आप अपना ओपिनियन दो। कभी भी कई डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मेरे को ये चाहिए तो तू यही कर, वो एक्टर की कोई एडवाइस नहीं लेते। मगर फैजल भाई बहुत अच्छे से बात कर पा रहे थे, हम उन तक कन्वे कर रहे थे चीज़ें, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो सेटिस्फाई होके हमें करने दे देते हमारी चीज़ें। वो कभी भी हमें रोकते नहीं थे कि नहीं ये सीन ऐसे मत करो, वो बोलते थे तू कर, मेरे को जहाँ भी लगेगा मैं बताऊँगा। सो इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, हम्बल है, कोई गुस्सा नहीं आता, गाली गलौज नो गाली गलौज सेट पे। और निहाल जी के बारे में बोलना चाहूँगा, तो मैं जब उनसे पहली बार मिला था तो मेरे को लगा था कि हम 4 बंदे मीटिंग में बैठे हैं, तो मैंने कहा एक्टर होगा। तो बाद में पता लगा जब इंट्रोड्यूस हुआ कि प्रोड्यूसर है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा थोड़ा पर्सनैलिटी बनाओ प्रोड्यूसर वाली, दिखना तो चाहिए प्रोड्यूसर। बट ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत हम्बल है, और सेट पे कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं थी। बहुत अच्छे से हर एक चीज़ अरेंजमेंट थी, हर चीज़ अच्छे से टाइम से हो रही थी। सो इज़ अ वेरी हम्बल गाय, और टीम तो कमाल है ही। महमूद भाई, महमूद हमें पता नहीं था पहले कि डॉन सिनेमा में जाने वाली है, क्योंकि एक्टर से सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जब जैसे चीज़ें धीरे धीरे होती गई, हम ऑन बोर्ड आए, शूटिंग शुरू हुई, तब पता लगा कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका नाम डॉन सिनेमा है। तो जिस चीज़ पे हमारा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो हम भी उसे सर्च करेंगे। तो हमने सर्च वर्च किया तो देखा कि हाँ अच्छा एक एप्लीकेशन है जिसकी रीच बढ़ रही है धीरे धीरे, और उसको अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है। और ये सबसे अच्छी बात लगी कि ये एक अच्छा कंटेंट अप्रोच कर रहे हैं व्यूअर्स तक, पब्लिक तक, क्योंकि जब तक कोई अच्छा कंटेंट नहीं बनाएगा उसका नाम नहीं। आज के दिन आप सभी को पता है कि OTT पे क्या क्या बन रहा है, कैसी कैसी चीज़ें आ रही, इतना कमाल कर रहा है अपना बॉलीवुड सिनेमा जो कि हम बोल नहीं सकते। तो आजकल इतनी अच्छी अच्छी कहानी है, और सबसे अच्छी बात है कि महमूद भाई ने नए लोगों को चांसेस दिया, और उनको वो पुश करना चाहते हैं कि हाँ आप लोग अपना टैलेंट दिखाइए, जो आपके पास लाइए हम प्रोड्यूस करेंगे। नहीं तो आजकल सब ये चाहते हैं कि सबको नाम ही चेहरा चाहिए, तो जो आते हैं लोग मेहनत करते हैं उनके बारे में कौन सोचे। लास्टली अबाउट यू, आपकी जो पास्ट प्रोजेक्ट किया जो आगे करने वाले उसके नाम जी क्या? मैंने एक नेटफ्लिक्स पे मेरी फिल्म है पेनल्टी, देखिए मैंने शशांक अरोड़ा मनजोत सिंह के साथ, तो उसमें मैंने नेगेटिव प्ले किया। एक मेरी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे शॉर्ट फिल्म है गुटरगू, आप देख सकते हैं उसे। और एक टीवी सीरियल कर चुका हूँ मैं एज ए लीड परफेक्ट पति। उसके अलावा काफ़ी एड्स किए मैंने साउथ इंडस्ट्री में, तेलुगु तमिल बोथ द लैंग्वेजेस। अभी एक तेलुगु की मैं फिल्म भी कर रहा हूँ एज ए लीड ओनली, और काफ़ी वीडियो सॉन्ग्स किए हुए हैं, एड्स किए हुए हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ, अक्षय सर के साथ एक बार काम किया था। सो थैंक यू बॉम्बे, अच्छा लग रहा है, और सबसे यार आप लोग कमाल हो, आप बहुत मेहनत करते हो सच में भी आई इंडस्ट्री सर। तो अच्छा ट्रेलर था विक्टिम में, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं एसोसिएटेड होने इस प्रोजेक्ट से, और क्या रोल प्ले कर रहे हैं पहले वो बताइए। आप सभी ने ट्रेलर देखा, अच्छा आप सबको पसंद आया होगा। तो मूवी में मैं एक साइको किलर प्ले कर रहा हूँ, जो शायद आपको टीजर से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा कि मेरा काम ये है कि लड़कियों को उठा के लाओ, उनको अलग अलग तरीके से उनका मर्डर। तो फिल्म में देखना ये है कि ये बंदा मर्डर कर क्यों रहा है। ये जानना चाहूँगा आपका पास जो बैकग्राउंड है, जो आपके प्रोजेक्ट्स किए हैं और आगे जो करने वाले हैं, और निगेटिव रोल प्ले करना इतना आसान भी नहीं होता है, और शुरुआत के करियर में कोई राजी भी नहीं होता, तो आप राजी कैसे और क्यों होंगे? नहीं, मैंने अभी तक कैसा, मैंने अभी तक जो भी शोज़ किए हैं मैंने पॉजिटिव प्ले किया है। ये पहला प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे नेगेटिव प्ले करना, तो ऑब्वियसली जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे आज तक पॉजिटिवली देखती गई है, उनके लिए मैंने थोड़ा एफर्ट डाला है कि मुझे वो एक नेगेटिव किरदार भी देखे, तो अब मैं जस्टिस कर पाऊँ इसके लिए मैंने बहुत एफर्ट दिया है। वो आप लोग को मूवी में देखने को मिलेगा। अभी आपने जो ट्रेलर देखा है वो एक छोटे से प्रसाद की तरह था जो धूप बढ़ाता है,
तो जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपके सामने सब आ जाएगा कि क्यों ये ऐसा करता है, किस लिए करता है, इसका मोटिव क्या है, और जो मैंने एफर्ट दिए हैं वो सब आपके सामने। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर फैजल खान और जो प्रोड्यूसर नेहा सिंह, उनके नाम क्या कैसा था इक्वेशन आपका मेरे साथ? सॉरी, हाउ इज द इक्वेशन विद डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर? हाँ, इक्वेशन हमारी बहुत अच्छी है, फैजल खान के साथ मैंने पहले भी काम किया है। क्या वो बताइए। बेसिकली आई एम प्लेइंग द वाइफ ऑफ मिस्टर बजाज, जो इसमें विलन है, एंड ये आपको देखे पता चलेगा कि विलन है कि हीरो है। स्टोरी लाइन इज लाइक एज यू कैन सी विक्टिम, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट इज लाइक यू नो थ्रिलर, कम्प्लीटली थ्रिलर काइंड ऑफ है। कौन इसमें असल में विक्टिम है और कौन नहीं है, हीरो कौन है और हीरोइन कौन है, तो ये आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। थ्रिलर आपको बहुत अच्छे से देख लीजिए। सो मेरा मेन करेक्टर मिस्टर बजाज की वाइफ का है, शी इज़ अ बिजनेस वूमेन इन दिस मूवी, एंड थ्रू आउट जर्नी में कैसे वो इन आउट उनका चलता रहता है वो आपको देखने का मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, बट इट्स नॉट लाइक इट्स अ प्रोमिनेंट करेक्टर, इट्स नॉट लाइक थ्रू आउट द मूवी, बट इट्स इन ऑफ एंड ऑफ वो ये करेक्टर चल रहा है। व्हाट इफ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म फैजल जी और निहाल सिंह प्रोड्यूसर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निहाल एंड फैजल, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मुझे अपॉर्चुनिटी निहाल एंड फैजल ने दी थी और काफ़ी मज़ा आया उन लोगों के साथ काम करके। एंड फैजल सर इज़ लाइक इज सो यू नो फ्लेक्सिबल, और इतना कम्फर्ट जोन में रखते हैं कि इनकेस कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो ही मेक्स आर्टिस्ट कम्फर्टेबल ऑन द सेट कि वो अच्छे से वो किरदार को कर पाए। एंड निहाल इज़ लाइक वेरी जॉली काइंड ऑफ, ही इज़ नॉट लाइक अ प्रोड्यूसर, कि वेरी फ्रेंडली जोन में रखते हैं सबको, कम्फर्टेबल जोन में रखते हैं। समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपने जो पास्ट प्रोजेक्ट किया और जो करने वाली फ्यूचर में, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या किया आपने? मैंने रिसेंटली ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने एक मलयालम प्रोजेक्ट किया था फहद फासिल के साथ, दैट्स अ मलयालम प्रोजेक्ट। एंड माय अपकमिंग प्रोजेक्ट इज फॉर अमेज़न प्राइम, दैट्स आई एम गोइंग टू डू अनदर वेब सीरीज, दैट्स फॉर द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट आई कैन रिवील द डिटेल्स ऑफ इट, इट्स जस्ट फॉर द अमेज़न प्राइम एज ऑफ नाउ, आई कैन से। थैंक्स। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल डायरेक्टर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्यों उनको आप सपोर्ट किए इस प्रोजेक्ट के लिए, और जो प्रोड्यूसर हैं उनके बारे में कुछ बताइए क्यों उनको सपोर्ट किया आपने? नहीं, ये जब फिल्म मेरे पास आई, फैजल के साथ मैंने ऑलरेडी 2013 में एक फिल्म की थी रूम द मिस्ट्री, जो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा रहा था मेरे लिए। उस वक्त में मेरी कंपनी पेन एंड कैमरा थी, तो मैंने अच्छा पैसे कमाए थे उसमें, मैं सरेआम बोलता हूँ। और जब ये मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो जैसे हमने रूम किए थे उसी लेवल पर करें। मैंने बोला कि मुझे भरोसा है तुम पे, एक बार मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए। एक बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने उनको इमिडिएटली गो अहेड कहा, और जब निहाल आया मेरे पास में, यंग प्रोड्यूसर डायनेमिक, तो मुझे लगा कि फिल्म अच्छी बनेगी क्योंकि टीम यंग है, तो यंग टीम आज के वक्त में वेब सीरीज़ के दौर में, प्रोफेशनल के दौर में काफ़ी जो टीम काम कर रही है वो यंग टीम। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो फॉर्मेट है ऑनलाइन मूवी थिएटर का, व्यूअर्स को बताइए क्या ये फॉर्मेट है, किस तरह से ऑपरेट करते हैं आप इस फॉर्मेट पे? आप ये ऑनलाइन मूवी थिएटर जो हमने लॉन्च किया था 2019 दिसंबर में, तो उस वक्त लोग मुझ पर हंसे थे, हमने टैगलाइन दिया था आपका अपना मल्टीप्लेक्स, तो लोगों को लगता था यार अभी तो OTT आया है इंडिया में, अभी OMT कहाँ से आया है। जब मैंने लॉकडाउन में पहली फिल्म मेरी थी यारम, जो काफ़ी बड़ा बिजनेस की, 27 लाख का ट्रैफिक था फिल्म पर, तो लोगों को लगने लगा कि फिल्म एक्सक्लूसिव थिएट्रिकल जैसे रिलीज़ हो सकती है वो OTT पे, और वहाँ से लोगों ने रिलीज़ करना शुरू की, और मल्टीप्लेक्स जो सिस्टम है वो OTT पर आया। तो टचवुड वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो हमने ये सिस्टम देखा। तो क्या करना चाहेंगे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं बेसिकली आपको प्रोजेक्ट सपोर्ट करने के लिए, क्या कंटेंट होता है, कि क्या ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण सपोर्ट करते हैं? मैं इरोटिक छोड़ के, मैं जब लॉन्च किया था उसी वक्त मैंने कहा था कि मैं इरोटिक नहीं लूँगा, तो इरोटिक छोड़ के मैं बाकी सब चीज़ें ले रहा हूँ। मेरा एक ही, एज एन राइटर मैंने करियर शुरू किया था, तो मुझे एक ही हमारा फंडा है कि कोई भी चीज़ हो, कौन ला रहा है हम नहीं देखते, किसने लिखा है हम नहीं देखते, हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास आई है चीज़ तो आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, दैट्स शिट। हम उसके अलावा कोई चीज़ पर नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं एज एन स्ट्रगलर इस इंडस्ट्री में मेहनत से आगे आया हूँ, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को उस मेहनत का, आज अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है और किसी के पास भी अच्छी चीज़ है तो उसको, वो प्लेटफॉर्म को मुझे जगह देना चाहिए। मेरे लास्टली ये कहना चाहूँगा, जो एक्टर आपके साथ हैं, क्या बताइए, उन्होंने नेगेटिव और पे किया है, तो क्या कहना चाहूँगा उनके बारे में? अमेजिंग। जब मैंने फिल्म का प्रीव्यू देखा, मैं एक्सपेक्टेशन, मैं असल में टाल रहा था कि मैं नहीं देखूँ, मेरी टीम देखे, और काफ़ी बिजी चल रहे हैं आजकल, तो मैं सोचा था कि प्रीव्यू के लिए 2 घंटा कैसे निकाले,
लेकिन जब मैं ईयर भी मेरे छाती पे बैठे हुए थे, नहीं सर आपको आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी मैं एक घंटा शॉक में था कि यार अगर नहीं देखता तो चुप जाता, प्रमोशन में कुछ गड़बड़ हो जाती मेरे से। जेन्युइनली ये लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, स्पेशली एक्ट्रेस, सब लोगों ने मिलकर जो परफॉर्मेंस दिया है, आप डेढ़ घंटे की फिल्म में एक मिनट के लिए भी नज़र नहीं हटा सकते, दैट इज़ माई चैलेंज। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, डायरेक्टर फैजल जी के बारे में और नेहल सिंह जो प्रोड्यूसर उनके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट बहुत ही, आई मीन जो कंटेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा किरदार निभाने के लिए मिला है, एंड मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं बहुत अच्छे से मैंने इसको प्ले किया है, एंड आई होप कि सबको बहुत अच्छा लगेगा ये कैरेक्टर। एंड निहाल जी ही इज़ अ वेरी गुड गाय, एंड लाइक जैसे अभी अंदर भी कहा था कि उनमें ऐसी प्रोड्यूसर्स वाले कोई लाइक यू नो एक एटीट्यूड नहीं है कि हाँ जो एटीट्यूड दिखाते हैं, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, बहुत ही नॉर्मली सेट पे कभी भी यू नो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, इतना पोलाइटली सारा शूट हो गया, एंड इवन किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ ही नहीं है, इज़ अ वेरी गुड गाय। एंड नो डाउट हमारे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने तो बहुत कमाल का काम किया है, एंड हमसे भी बहुत मेहनत कराई, जो कि सभी आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मेरे को एक्टर कुलदीप सिंह, मोहित मैन एंड साफ़ी, बहुत फैब एक्टर्स हैं तीनों, एंड बहुत मज़ा आया इन सबके साथ काम करके, एंड वेरी ग्लैड कि प्रोजेक्ट जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बन गया। सो बेसिकली वेब सीरीज़ और ओटीटी प्लेटफॉर्म का इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट हो गया, क्या कहना चाहेंगे जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, या एज एन आर्टिस्ट कितना कैपेबल प्रूफ करने के लिए कितना मिल रहा है आपको, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? सी आई एम वेरी मच हैप्पी कि मुझे जितना मिल रहा है मैं उसमें मुझे बहुत अच्छा फेम भी मिल रहा है, बहुत अच्छा नाम भी मिल रहा है, एंड यू नो वेब सीरीज़ का इतना ज़्यादा अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि लाइक इट्स डिपेंड कि आप कंटेंट कैसा बनाते हैं, राइट? वेब सीरीज़ तो बहुत सारी आ रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी बहुत सारी आ रही हैं, इवन बहुत सारी फिल्म्स भी आ रही हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, तो हमारा कंटेंट लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई होप कि बहुत अच्छा जाएगा। फॉर द व्यूअर्स, जो प्रोजेक्ट किया आपने पहले और जो आगे करने वाली, उसका नाम बता दीजिए क्या क्या? ओके, सो बेसिकली मेरा पहले हिंदी में ज़्यादा था, सो उसके बाद मैंने पंजाबी फिल्म्स में लाइक आई ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं पंजाबी फिल्में करूँ, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड पंजाबी है, एंड माई फैमिली ऑल्सो वॉन्ट्स कि मैं पंजाबी प्रोजेक्ट्स करूँ, राइट? तो मैंने की थी अभी 2019 में विलायती यंत्र, जो अभी इसी ईयर में रिलीज़ है, एंड सेकेंड अभी एक और वेब सीरीज़ की काला शायद अच्छी पंजाबी फिल्म, सो जल्दी वो भी रिलीज़ होगी, एंड एक और अच्छी फिल्म सरप्राइज़ है सबके लिए, एंड फिलहाल ये विक्टम रिलीज़ हो जाए 14 February को, एंड आई होप कि सबको बहुत पसंद आएगी, एंड आई एम श्योर पसंद आएगी सबको। साधव ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि इस प्रोजेक्ट को भी उतना ही प्यार दें जितना मेरे साथ बाकी प्रोजेक्ट्स। फिल्म प्रोजेक्ट लाड़ी, तो क्या कहना चाहेंगे डॉन सिनेमा के बारे में और ये प्रोजेक्ट के बारे में? देखिए, डॉन सिनेमा जो है नाम से ही हिट है, क्योंकि बच्चन साहब की फिल्म आई थी अरे दीवानो मुझे पहचानो, तो सिनेमा का नाम डॉन था, वो सुपर हिट थी, और आज तक बच्चन साहब की सबसे श्रेष्ठ फिल्मों में उसे कहा जाता है। तो ये नाम ही, ये टाइटल ही, ये अपने आप में एक ऊर्जा देता है, एक एनर्जी देता है, एक यू नो मस्ती देता है, तो मुझे लगता है कि डॉन नाम से कुछ भी शुरू किया जाए तो चाहे वो कोई भी डॉन हो वो एक हलचल तो मचा देता है। तो इस डॉन सिनेमा के तहत मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्त DCP होने वाला है, मतलब डॉन सिनेमा प्लेटफॉर्म होने वाला है, और इसमें जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उसमें खूबसूरत लोग काम करेंगे, खूबसूरत काम करेंगे, और जितनी वेब सीरीज अभी इन दिनों आ रही है तिकड़मबाज उनसे अलग होगी, उनसे स्पेशली हिंदुस्तानी होगी, हिंदुस्तान की हर चीज़ का, हर सम्मान का, हर श्रद्धा का ध्यान रखते हुए किया जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि जो परिवार के साथ में आप ना देख सको, तो मैं डॉन सिनेमा का वैसे भी दीवाना हूँ, फैन हूँ, और अब ये जो शुरू हुई है ये फिल्म बन रही है विक्टिम, तो वो बहुत अच्छा, और निहाल मेरे दोस्त हैं, मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, और हमारे हैदर भाई तो काम करते ही जा रहे हैं, और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनको आतवाद देती है, तो मैं तमाम सभी पूरे ग्रुप की तरफ से आप सबको जनवरी के इस महीने में, मैं समझता हूँ कि ये डॉन सिनेमा नहीं, ये इंटरटेनमेंट की वैक्सीन है, ये आ गई है, अब आप स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, और पूरे परिवार के साथ आपको हर हाल में, जैसे कितने की
थिएटर का मजा होम थिएटर में मिलेगा और आप खुश रहेंगे हर हाल, ऐसी दुआ दे रहे हैं सुनील पाल। आप बताइए क्या करना चाहेंगे? देखिए मैंने बहुत ही सही कहा, डॉन सिनेमा ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सब लोग देखेंगे और इसमें जो पहली फिल्म रिलीज है विक्टिम अमन मैन प्ले कर रही इसके अंदर और रिलीज हुआ है कि काफ़ी कामयाब भी है, बहुत नाम हो इनका क्योंकि अभी एक्ट्रेस की कमी है हिंदुस्तान सिनेमा में और विश ऑल द बेस्ट विक्टिम के लिए और डॉन सिनेमा तो हिट है। तो ऑल द बेस्ट विक्टिम की सारी टीम, ऑल द बेस्ट। स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी मैं महमूद जी का जिन्होंने बहुत ही बहुत अच्छा उमदा ऐप लाया है और आई एम श्योर कि रॉक करेगा हमारा ऐप एंड विक्टिम के बाद तो ऑब्वियसली बहुत सारी धूम मचने वाली इस चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया एंड थैंक यू वेरी मच। महमूद भाई ने तारीफ की आपकी, एक प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं आप, दोबारा सामने बोलने के लिए सामने देखिए आप डायरेक्टर हो, गलती से हो सर। तो स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता पाऊँगा अभी कि ट्रेलर आपने देखा ही होगा, ट्रेलर आप लोगों को सब ऑब्वियसली सबको अच्छा लगा है, स्टोरी रिवील नहीं कर पाएंगे। स्टोरी का क्या है कि थ्रिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एक केमिस्ट्री हम लोगों ने क्रिएट की है तीन एक्टर्स के बीच में और इसी टाइप की थ्रिलर कॉन्सेप्ट है, इसी टाइप का स्टोरी है। सर आप बताइए, थिएटर में हर कोई चाहता है फिल्म रिलीज होने, आप ऐप में रिलीज कर रहे हो? सी क्या होता है कि थिएटर्स में ऑब्वियसली हम लोग भी चाहते हैं कि थिएटर में फिल्म रिलीज हो बिकॉज ऑफ COVID-19, आपको सबको पता है कि इस पैंडेमिक की वजह से चीज़ें थिएटर्स अभी बंद है और OTT एक आज के टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि आप मतलब एक इतना बड़ा स्क्रीन OTT में ला के एक फ़ोन में ला के समा दिया लोगों ने और आजकल OTT लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमने सोच के OTT के लिए फिल्म बनाई। सर आपसे चाहूँगा, आपकी भी तारीफ काफ़ी तारीफ हुई थी, यंग एज में प्रोड्यूसर बन गए, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा अचीवमेंट समझते हैं? मेरे लिए बोला जाए तो ये फिल्म सबसे बड़ी फिल्म है अभी तक जितना भी मैंने अभी प्रोड्यूस किया है और ये था कि सर के पास गया मैं बर्थडे में, सर ने बोला भाई मेरे पास कॉन्सेप्ट है, मैं बोला चलो कोई नहीं फिर बनाते, बर्थडे गिफ्ट हो गया एक, तो ऐसी बेसिकली सीरियसली यही हुआ था, ये बर्थडे गिफ्ट है मेरा, एक तरीके से जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई और ये मेरे लिए सच में अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट रहा अभी तक का जितना मैंने काम किया। महमूद भाई के बारे में क्या कह सकते हैं, प्रेजेंटर एंड डॉन सिनेमा के फाउंडर, उनका क्या कहना चाहेंगे, कैसा सपोर्ट रहा उनका? सपोर्ट सर उनका सपोर्ट है कि ना बुला के बताइए उनको, महमूद सर को बुलाइए, महमूद सर को बुलाइए, महमूद भाई आइए, जी भाई आइए, ऐसे पीछे से सपोर्ट बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, सामने भाई खड़े होंगे तभी सपोर्ट बता पाएंगे। कि महमूद सर का सपोर्ट ऐसा है, मैं महमूद सर के साथ जुड़ा हूँ 2013 से, महमूद सर ने मेरी पहली फिल्म भी रिलीज़ करी थी रूम द मिस्ट्री, उसके बाद महमूद सर का ट्रस्ट मेरे ऊपर इस तरीके का है कि मतलब मैं जब कॉन्सेप्ट सब एक मतलब हम लोग नॉर्मली ऐसे ही मिलने गए थे, मैं सर एक कैफे में बैठे हुए थे तो सर मैं आप यहाँ हैं मैं चले गया मिलने के लिए और महमूद सर को मैंने एक लाइन सुनाई कि सर ऐसे ऐसे करके एक स्टोरी है, तो सर सिर्फ ये कहती कि अच्छा मैं एक प्रोजेक्ट अपना जब ऐप डेवलपमेंट में था हमारा डॉन सिनेमा उस वक्त डेवलप हो रहा था, मैं एक डॉन सिनेमा ऐप करूँ उसके लिए काम करना चाहोगे, मैंने सर डेफिनेटली आपके साथ काम करना है और बट जो सपोर्ट महमूद सर का मिलता है ना जिस तरीके से चीज़ों को लेके और किसी भी चीज़ को लेके आप चाहे वो स्टोरी लाइन पे ले लो चाहे प्रोडक्शन वाली से ले लो, आप क्रिएटिवली उतना फ्रीडम होता है ना, क्रिएटिवली इतना बहुत सारे ऐप्स होते हैं कि क्रिएटिवली बहुत इंटरफेयर करते हैं बट महमूद सर का कभी भी मुझे क्रिएटिवली कोई इंटरफेयर किसी भी चीज़ का नहीं आता, उल्टा और सपोर्ट करते हैं वो चीज़ों को लेके कि यार ये चीज़ को ऐसे नहीं आप ऐसे कर लो और अच्छी लगेगी। जब मैं पहली बार ट्रेलर दिखाने गया था सर को तो सर ने बोला था कि मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है और सारी चीज़ें अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें बस ऐसी सर ने हमें बताई थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें कर लो और बहुत अच्छा चीज़ लगा, मैं सर की ना जान खाए हुई थी तो सर बहुत बिजी थे आउट ऑफ टाइम थे काफ़ी टाइम, तो मैं ट्रेलर दिखाने के बाद फिल्म का प्रीव्यू करने के लिए मैंने सर के मतलब आप समझ लो कि बहुत परेशान किया मैंने, बहुत परेशान किया है और जब मैं फिल्म दिखाई थी तो ये जो अपॉर्चुनिटी फिल्म देखने के बाद जो चीज़ें उन्होंने मतलब चीज़ें सेपरेट कर दी सारी, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लग रहा है और सर की एक लाइन थी
जो एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी होती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा नहीं, हमने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट करके दोगे। बट सर ने बोला कि मैंने जो बजट आपको दिया था प्रोजेक्ट करने के लिए उसमें आपने चार चांद लगा दिए सर, वही हम लोगों के लिए अचीवमेंट है। और बोला अगर थिएटर खुला हुआ रहता तो हम थिएटर में फिल्म देखने के बाद मुझे लगा ये फिल्म थिएटरिकल के लिए थी, अगर थिएटरिकल होती तो क्योंकि शॉर्ट में एक अच्छा कॉन्टेंट चलता है, मुझे ऐसा लगा था कि अगर थिएटर नॉर्मल डेज होते तो हम थिएटर के थ्रू आते, लेकिन फिल्म को हमको रिलीज़ करना है वैलेंटाइन पे, और वैलेंटाइन के लिए फिर मुझे लगा कि बहुत शॉर्ट टाइम हो जाएगा अगर मैं थिएट्रिकल प्लान करूँ, तो इसलिए हम लोग एक्सक्लूसिव प्रीमियर डॉन पे। मैं तो डेफिनेटली डॉन सिनेमा के साथ काम करना चाहूँगा, मेरी ये फैमिली है, मैं डेफिनेटली उनके साथ काम करना चाहूँगा। वो डॉन सिनेमा से आप पूछेंगे वो मेरे साथ काम करना चाहते कि नहीं, मैं तो ऑब्वियसली मैं एक टेक्नीशियन हूँ और मैं अपना काम करना डेफिनेटली किसी भी प्रोडक्शन हाउस और किसी भी चैनल के साथ काम करना चाहूँगा। डॉन तो डेफिनेटली मेरे लिए एक फैमिली जैसा है, मतलब मेरे लिए एक ऐसे गार्जियन टाइप है कि भाई एक प्रोजेक्ट है, मैं हमेशा से भाई बोलता हूँ, कभी आज तक मैंने सर नहीं बोला उनको और ना कभी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है चीज़ के ऊपर, भाई ऐसे ऐसे चीज़ें ठीक है आ जाए। नहीं एक्चुअली जब हम पहले प्लान कर रहे थे तो हमारा थॉट था कि हम कुछ अच्छा लोकेशन वगैरह के साथ में इसको शूट करते हैं, बट हमारी फिल्म एक ऐसी स्टोरी है जब आप देखेंगे तो वो एक 60% हमारी फिल्म थोड़ी सी इंटीरियर है, तो हमने भी सोचा कि नहीं एक खूबसूरत शहर लेते हैं, उसमें भोपाल को हमने चुना कि वहाँ पे शूट करते हैं, बाकी 40% जो हमारी है फिल्म बाहर दिखाया जाए शहर। कोविड के बाद शूट हुआ या कोविड के बाद शूट किया? कोविड के बाद हमने शूट किया। क्या सेफ्टी के लिए हमने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, जो जो गाइडलाइन हमने फॉलो करी थी सेट पे, सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स, ये सब चीज़ें हम लोग ने पूरा प्रिकॉशन लेके शूट किया है, और टच वुड हमारे सेट पे इस तरीके की कोई मतलब इंसिडेंट नहीं हुआ, कोविड पेशेंट भी हमारे सेट पे कोई नहीं था इवन आफ्टर शूट तक भी।